तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर जान ही रहे हैं कि यहाँ पर ओटीपी और यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से यहाँ पर पीएम किसान ई केवाईसी हो रहा था, तो जिसमें यहाँ पर ओटीपी जो करवाए हैं, जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था, उन सभी का यहाँ पर जो भी केवाईसी हुआ था, और अभी वो केवाईसी ओटीपी के माध्यम से हटा दिया गया है। जो अभी केवल मात्र सीएससी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी हो रहा है, तो उन सभी का कितने लोग ऐसे हैं जिनका मतलब केवाईसी एक्सेप्ट हुआ, यानी कि जो बायोमेट्रिक से कराए हैं या तो ओटीपी के माध्यम से कराए हैं। तो किसी भी के माध्यम से अगर आप केवाईसी करवा चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो आपका केवाईसी एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए आपको सभी जितने भी किसान लोग हैं, जितने लोग को 6,000 रुपया मिलता है प्रत्येक वर्ष में, उन सभी लोग यहाँ पर लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर लिस्ट में नाम यहाँ पर आपका नहीं शो करेगा, अगर रिजेक्टेड लिस्ट में शो करेगा, तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो रिजेक्टेड लिस्ट में जिसका नाम शो करेगा, उनको क्या करना होगा, मैं उसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा। और जिनका सक्सेस हो गया है, तो उनको क्या करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ये वाला वेबसाइट पर चले आना है। इस वाले वेबसाइट पर चले आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से। और आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डैशबोर्ड, जो यहाँ पर लिखा है डैशबोर्ड, तो इस पर आपको एक बार क्या करना है कि क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद विलेज, इसके बाद सो, यानी कि आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी आप स्टेट से हैं, उसका यहाँ पर चुनाव कर लेना पहले। जिसमें यहाँ पर बिहार से हो, तो पहले बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप बिहार से जिस जिला से होंगे, उस जिला का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सब डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम चुनाव कर लेना है। नाम चुनाव करने के बाद यहाँ पर गांव का नाम चुनाव आता है, यहाँ पर अपना गांव या पंचायत का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि शो पर क्लिक करना है। शो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर जितना भी है फार्मर कॉर्नर का यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको तो इस तरह से यहाँ पर शो हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहले यहाँ पर विलेज स्टेटस यहाँ पर दिखाया है, पेमेंट स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस देखना है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीएम किसान का ई केवाईसी हो रहा था बायोमेट्रिक के डिवाइस के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ही हो रहा था, आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको क्या करना है कि इसी वाले सेक्शन पर आना है। तो चलिए मैं इस वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करोगे, तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपके जो गाँव है, यानी कि जो यहाँ पर आप सिलेक्ट किए हुए हैं, उस गाँव के अनुसार आपका कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे गाँव में यहाँ पर 195 लोग का यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, और मात्र एक व्यक्ति का यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपको पूरा यहाँ पर जानकारी लेना है। तो कैसे करना है, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी किसान का यहाँ पर नाम दिया गया है, जो फार्मर का जो आधार ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट हुआ है, उनका यहाँ पर फार्मर का नाम दिया गया है, और यहाँ पर फार्मर के फादर का नाम दिया गया है, उनके पिताजी का नाम, और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका यहाँ पर नाम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आपको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप पूरी तरह से डिटेल यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर जिनका आप चेक करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से नाम दिया गया है। और जिनका एक्सेप्ट हो गया है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है, जिनका एक्सेप्ट हुआ है उनका इसमें नाम दिया गया है, और जिनका रिजेक्ट है इसमें नाम दिया गया है। देखिए, अब जिनका एक्सेप्ट हो चुका है, जो आधार ऑथेंटिफिकेशन से कराए हैं, यानी कि आधार ओटीपी के माध्यम से कराए हैं, या आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कराए हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से करवाए हैं, उन सभी का यहाँ पर रिजेक्ट जो जितना हुआ था, उन सभी का यहाँ पर रिजेक्टेड दिखाया गया, और जितना एक्सेप्ट हुआ उतना एक्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिनका एक्सेप्ट हो गया है, उनको दोबारा आपको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। और जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, तो देखिए, आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, और एक लाइक कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड हो सबको शेयर कीजिए। तो क्या करना है, तो यहाँ पर जिनका एक्सेप्ट हुआ है, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, तो उनको क्या करना है कि फिर से उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, यानी कि फिर से बायोमेट्रिक डिवाइस से उनको नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर, उनको 15 रुपये पेमेंट करता है, और वहाँ पर नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर आपको आधार ले जाना है, एक मोबाइल नंबर ले जाना है, और फिर से आपको केवाईसी करवाना है। आप फिर से बायोमेट्रिक केवाईसी करवाइए फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आपका फिर से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट वाला आएगा, अगर हम इंस्टॉलमेंट, तो आपको जरूर आएगा। अगर यहाँ पर रिजेक्ट में आपका रहेगा, तो अभी कब का आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर रिजेक्ट आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सर्वर डाउन चल रहा है, इसकी वजह से अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए जिसका रिजेक्ट हुआ है, वो यहाँ पर आप अपना जरूर चेक कर लेंगे, और जिनका
केवाईसी कर चुके हैं, जो लोग कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं सभी लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे अपना अपना नाम। जिनका नाम चेक करना हो तो उनको क्या करना हो पहले, तो यहाँ पर देखिए जिनको नाम अगर चेक करना है ना तो क्या करेंगे ना कि कंट्रोल प्लस एफ टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। और जिनको हम अगर यहाँ से सर्च करना चाहेंगे इनके नाम का, तो इनका केवल नाम सेलेक्ट करें, यहाँ पर इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो कंट्रोल एफ किए हैं यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ, तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर दिखा दिया गया है, जिनका यहाँ पर हम मैं खोज रहा हूँ था जिसका मैं खोज रहा था उसका यहाँ पर नाम दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर नज़दीकी से आप खोज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 व्यक्ति का अरुण नाम से है, तो आप यहाँ से अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो यही थी छोटी सी अपडेट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिनका रिजेक्ट हुआ है वो नज़दीकी CSE सेंटर जाएंगे, वहाँ से आप जाकर KYC फिर से दोबारा करा लीजिएगा। और जिनका आधार से हुआ है या बायोमेट्रिक से हुआ एक्सेप्ट हुआ होगा तो उनका कोई कराने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, लेकिन जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका एक्सेप्ट कराने के लिए आपको दोबारा से KYC करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।